सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समस्तीपुर पुलिस ने बीते शुक्रवार को 6 अगस्त को मुसरीगरारी में बकरी बुजुर्ग के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा उर्फ शशि झा की गोली मारकर हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में नामजद 4 आरोपित में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मुसरीगरारी थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया शशि झा की हत्या के बाद से ही पुलिस की टीम पर काफी दबाव था। हत्या के दिन से ही लगातार जिले में आपराधिक घटना बढ़ गई थी, जिसके बाद आईजी भी समस्तीपुर पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग टोले में 3 बटिया के पास बीते शुक्रवार 6 अगस्त को पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया पति शशिनाथ झा उर्फ शशि झा की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में शशि झा की पत्नी के बयान पर 4 नामजद के खिलाफ मुसरीगरारी थाना में कांड संख्या 97/2021 8 अगस्त को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। वहीं घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी एवं घटना में उपयोग की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग टोले में 3 बटिया के पास बीते शुक्रवार 6 अगस्त को पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया पति शशिनाथ झा उर्फ शशि झा की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में शशि झा की पत्नी के बयान पर 4 नामजद के खिलाफ मुसरीगरारी थाना में कांड संख्या 97/2021 8 अगस्त को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। वहीं घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी एवं घटना में उपयोग की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि घटना का कारण आगामी पंचायत चुनाव पाया गया है, जिसमें गन्नू राय उर्फ बड़का बुआ द्वारा नगर पंचायत में वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते थे। धनु राय और बड़का बुआ प्राथमिकी में भी नामजद अभियुक्त है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रतीश कुमार के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम के सदस्य द्वारा अनुसंधान के क्रम में एक मानवीय तकनीकी सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, मोबाइल से बातचीत एवं चैटिंग पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल हत्या करने में हथियार एवं गोली उपलब्ध कराने वाले बाइक एवं घटना की लाइनिंग करने वाले अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। दर्ज प्राथमिकी में 4 नामजद लोगों को आरोपित किया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने प्राथमिकी में नामजद किए गए 4 आरोपितों में से 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके द्वारा घटना का खुलासा किया गया है। पकड़े गए अपराध कर्मियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 बाइक तथा 1 पिस्टल, जिसका उपयोग हत्याकांड में किया गया था, उसे भी पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग निवासी रामबली राय के पुत्र संजय कुमार सिंह, ताजपुर थाना के निकसपुर निवासी दिनेश राय के पुत्र बॉबी एवं मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग निवासी अशोक राय के पुत्र सुनील राय के रूप में की गई है। SIT द्वारा पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्व योजना के तहत 2 बाइक से कुल 5 अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए अपराधियों में बॉबी तथा सुनील दोनों घटना स्थल पर उपस्थित अपराधियों में से हैं। इनके साथ अन्य 3 अपराधी हिमांशु, राजेश पाल तथा एक अन्य अपराधी था। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजय का गांव में किराना दुकान है, जिस दुकान पर घटना की पूरी प्लानिंग की गई थी। संजय के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 पिस्टल को भी बरामद किया गया है। वहीं घटना का कारण आगामी पंचायत चुनाव बताया गया है, जिसमें गन्नू राय उर्फ बड़का बउआ द्वारा नगर पंचायत में वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते थे। गन्नू राय उर्फ बड़का बउआ प्राथमिकी में भी नामजद अभियुक्त है। SIT ने छापेमारी के दौरान घटना में प्रयुक्त की गई 1 पिस्टल, घटना में प्रयुक्त की गई सफेद रंग की अपाची बाइक एवं घटना में प्रयुक्त की गई लाल अपाची बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की SIT टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रतीश कुमार, सदर अंचल के विक्रम आचार्य, पुलिस अंचल के देवेंद्र प्रसाद यादव, मुसरीगरारी थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सरंजन थाना अध्यक्ष राजा, मुसरीगरारी थाना के मुकेश कुमार, DIU प्रभारी अनिल कुमार, मुसरीगरारी थाना के राकेश दुबे, DIU के पुलिस कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। गिरफ्तार किए गए, उनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हो गया, साथ ही 2 बाइक जो घटना प्रयुक्त हुआ था वो भी बरामद हो गया। इस पिस्टल को हम लोग हल्के से मुझे भेजेंगे, जो मुखा बरामद हुआ है उसके साथ मैचिंग कराया जाएगी और इस पूरी ट्राइवाली को सजा कराया जाएगी। घटना का कारण आगामी पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ पाया गया।
मिल चुकी है। जो पाए गए थे उसमें से एक नामजद आरोपी है द्वारा उन लोगों के माध्यम से बनाया गया था। गिरफ्तार अपराधी में से संदीप कुमार सिंह है, उसका भी दुकान चलाता है किराना दुकान, उसी में दुकान पर ही ये सारी योजना बने थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके ही निशानदेही पर जो शूटर है अपना हथियार छुपा कर भागे हैं, वो हथियार बरामद कर लिया गया है शीघ्र ही, और उसमें दो शूटर उसकी भी गिरफ्तारी कर ली। कुल कितने इसमें अपराधी थे? चार नामजद किए गए हैं अपराधी, इसके अलावा जिसमें से और भी घटना के पीछे कई अपराधी शामिल है उनको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें और जो फैसिलिटेटर थे, हथियार उपलब्ध कराए थे, गोली जहाँ से प्राप्त किए थे, हथियार प्राप्त किए थे, उन स्रोत पर भी कार्रवाई चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है।